किया है शुगर सिरप तैयार करने के लिए। एक कप शुगर सिरप के साथ जस्ट हाफ कप पानी, हाफ कप पानी के साथ डाल के इसको माइक्रो में 900 पे 12 मिनट के लिए शुगर सिरप तैयार करेंगे। ये कोकोमोट 900 12 मिनट्स में हमारा शुगर सिरप तैयार होगा। जब तक हमारा शुगर सिरप बन रहा है तब तक हम लोग अपना बालूशाही का डो तैयार करेंगे। दो कप मैदा के साथ दो चुटकी जैसा बेकिंग सोडा और ये हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर। इसका डो हम पूरा पूरा घी से तैयार करेंगे और दही से। इसमें लगभग हाफ कप जैसा घी लेंगे, शुद्ध देसी घी यूज कर रही हूँ। इसके डो को हम इस तरह मोयन के लिए तैयार करते हैं। इस डो को ना हमें मसलना नहीं है, आटा जैसा नहीं करना है। इसमें मैं 4 चम्मच दही यूज करूंगी। इसके साथ एक सॉफ्ट डो तैयार करना है। दही और घी से हमने ये एक सॉफ्ट डो तैयार किया। इसे जस्ट ऐसे मसल के ही हम रख देंगे जब तक हमारा शुगर सिरप हो रहा है। इस तरह करके लगभग 5-7 मिनट तक करना होगा ताकि हमारा डो एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। ये तोड़ना है फिर एक ऊपर एक रखना है ना, ये इस तरह ऐसे ये। ये ऐसे ऐसे ये 5-7 मिनट तक हमें करना पड़ेगा लगभग 5-6 बार। ध्यान रहे इसको ना प्रेस नहीं करेंगे, नहीं तो हमारा जो लेयर आता है ना बालूशाही का वो लेयर नहीं आएगा। इस तरह रख के ऐसे करेंगे तो हमारा ये डो एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। ये प्रोसेस हमें करना है, कट एंड फोल्ड करके इस तरह। देखिए एकदम परफेक्ट है चाशनी एकदम। हमें कोई 3-4 ताल वाली चाशनी नहीं तैयार करनी है। इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ी कूटी हुई इलायची और केसर हम ऐड कर रहे हैं। एक बालूशाही के लिए हमने क्या किया है, माइक्रोवेव को 190 डिग्री कन्वेक्शन पे डाल के ओवन को प्रीहीट करेंगे। जब तक हमारा ओवन प्रीहीट हो रहा है तब तक हम इसे सेक दे देंगे। हाँ।
ये हम इस तरह से ये सेब छोटे छोटे थंब से प्रेस करेंगे बीच में, सारा तैयार कर लेंगे। हो गया है, अब हम इसमें से ये लवण निकालेंगे, लो रैक पे तवे को प्लेस करेंगे। ये बालूशाही का जो शेप दिया है हमने, इसे थोड़ा गैप दे देंगे क्योंकि ये फैलेगा, फिर इसे हम प्लेस कर रहे हैं। और 190 डिग्री सेंटीग्रेड कन्वेक्शन पे इसको 20 मिनट तक के लिए बेक करेंगे।